नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पायरोसॉफ्ट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एरर्स के बारे में, और उसी एरर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और एरर है कुछ इस टाइप की कि हमने वेबसाइट बनाई हुई है बैकएंड के अंदर, और हमने पीएचपी का यूज़ किया हुआ है, डेटा टेबल का, एजेक्स का, जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी, और ख़ास कर बूटस्ट्रैप 4 का हमने यूज़ किया हुआ है। और इसी साइट में एक एरर आती है, और वही एरर में आज आपको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप एरर को सॉल्व करने का तरीका या मेथड देखेंगे तो एकदम ईजी है, और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको एरर कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको फ्यूचर में भी ये बहुत ही काम आने वाला है वीडियो, और आपको लिंक का अरेंजमेंट किस तरीके से करना है वो आपको पता चल जाएगा। सो आई होप आप वीडियो पूरा देख लेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट नहीं देखी है तो उसमें जाके भी आप देख सकते हैं, हम कई कई तरीके की एरर दिखाते हैं। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई और कोर्स फ्री में वेबसाइट PHP या C++ जावा पाइथन जो भी सीखना है वो आप फ्री में सीख सकते हैं। सो अभी हम उस एरर के बारे में बात कर तो हमारा मैं पहले आपको कोड दिखा दूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके की हमने हेडर बनाई है, और हमने यहाँ पे हम अगर वेबसाइट को देखें लोकल होस्ट पे हम चला रहे हैं, और इसी वेबसाइट को हम हमारी एरर जो आती है इसी वेबसाइट के अंदर। और पहले कंटेंट देख लेते हैं, यहाँ पे हमने डेटा टेबल बनाया हुआ है। अगर आप देखें डेटा टेबल को तो ठीक से कुछ शो नहीं हो रहा है, और बैकएंड का भी ठीक से शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो यहाँ पे 2 एरर्स दिखाते हैं। और एरर है जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड जेक्वेरी और कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी डिफॉल्ट और अनडिफाइंड। और यहाँ पे कुछ मैंने शॉर्ट आउट कर दी हुई है, इस तरीके की भी एरर हो सकती है, अनकोट एरर, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्स, या फिर डेटा टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन, इसी भी एरर हो सकती है। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी की भी एरर होती है कई बार, क्रोम सेम साइट वाले ऐसी सेम साइट वार्निंग वाली भी होगी, येलो कलर में आती है वो भी एरर। आपको सभी एरर एकदम आसानी से सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, और छोटी सी मेथड है इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने हेडर बनाई होगी, हेडर के अंदर सारे लिंक आपने डाली होगी, जावा स्क्रिप्ट या जेक्वेरी, अजेक्स, आप जो भी यूज़ करते हैं उसकी आपने लिंक डाली होगी। अभी मैं आपको उस लिंक का प्रॉपर सिक्वेंस बताता हूँ किस सिक्वेंस में आपको वो लिंक डालनी है, बिकॉज यहाँ पे सिक्वेंस का ही सारा खेल है। यहाँ पे आपने सिक्वेंस ज़रा सा भी थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो आपको एरर शो होने लगेगी, और आपका डेटा टेबल थोड़ा कुछ अच्छे से काम नहीं करेगा, और शायद PHP के अंदर आपको डेटाबेस के अंदर से डेटा फेच करने में भी प्रॉब्लम आए आगे, और या फिर डेटा टेबल शो भी नहीं होगा। सो उस टाइप की सारी एरर सीक्वेंस की वजह से ही होती है। सो मैं आपको सीक्वेंस पूरी बताता हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको सारा देखना है, और उसी सीक्वेंस में आपको अपनी लिंक हेडर पे आपने जो भी डाली है वो उसको आपको इस तरीके से जोड़ना है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले आपको पहली लिंक हमारी जो होती है बूटस्ट्रैप CSS वाली वो डालनी है, मतलब कि आपको CSS वाली जो भी लिंक होगी वो सबसे पहले डालनी है CSS वाली। अभी यहाँ पे मेन स्क्रिप्ट की बात आती है, और यहाँ पे ही सारा फंडा है। कई बार ऐसी एरर भी आती होगी एनोनिमस क्लास वाली, कि एनोनिमस क्लास डजंट शो, ऐसा कुछ एरर आता होगा आपको येलो कलर में एनोनिमस का। सो वो भी सॉल्यूशन यहाँ पे है हमारे वीडियो में ही, ये आप अच्छे से देखिए और पूरा देखिए। फिर आपको पॉपर की लिंक डालनी है, आपने अगर यहाँ एक पॉपर की लिंक डालनी है। बाद में यहाँ पे हम शुरू करते हैं बूटस्ट्रैप जेक्वेरी, और यहाँ पे डेटा टेबल बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी की बात। सो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले हमें जेक्वेरी की लिंक को यहाँ पे ajax.jquery, मतलब कि jquery-min.js की लिंक को ऊपर रखना है सबसे, यहाँ पे स्क्रिप्ट में सबसे ऊपर इसको रखना है, और बाद में यहाँ पे bootstrap-main.js आनी चाहिए, और ऐसा ही सीक्वेंस हमारी डेटा टेबल की लिंक में भी होना चाहिए, सेम टू सेम सीक्वेंस। पहले हमें jQuery की लिंक रखनी है, बाद में हमें डेटा टेबल की लिंक रखनी है, डेटा टेबल bootstrap-main.js। सो यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस एक बार फिर से बता दूँ, पहले आपको लिंक वाला सब कुछ डालना है, फिर आपको पॉपर की डाल देनी है, और फिर
यहाँ पे जेक्वेरी डॉट मिन डॉट जेएस को पहले डालना है, बाद में बूटस्ट्रैप को, और डेटा टेबल में भी जेक्वेरी डेटा टेबल को पहले और बाद में बूटस्ट्रैप डेटा टेबल को बाद में डालना है, और कंट्रोल एस टू सेव करके अभी आप आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी एरर अभी नहीं है, कोई भी एरर नहीं है अभी। यहाँ पे सेम साइट स्क्रिप्टिंग की एरर आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकी विथ एसोसिएट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो यहाँ पे उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे पूरा लिंक का फंडा है, और यहाँ पे एनोनमस लिंक, एनोनमस इट मीन्स थोड़ा सा पीछे से और वो एकदम हाइड हो जाता है कंटेंट, और कोई स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकता, इस तरीके से काम करता है। सो आपको ये एनोनमस वाली लिंक डालनी पड़ेगी, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे जो आपने बूटस्ट्रैप मिन डॉट जेएस डाला है उसकी जगह पे आपको ये लिंक डाल देनी है, और उसी सीक्वेंस में प्रॉपर हमने जो भी डाला था उसी सीक्वेंस में हमें डालना है, और कंट्रोल एस टू सेव करके अभी आप आउटपुट देखेंगे तो आपको कोई भी एरर शो नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। सो बस यही मैं आपको कहना चाहता था कि अगर आपको आपने सीक्वेंस पूरी सही से लगाई हुई है तो आपको डेटा टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई गारंटी इट। सो बस आज के लिए इतना ही था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।